लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि कैसे आपा किसी अनबैलेंस मास को बैलेंस कर सकते हैं जब वो किसी मास के वन साइड में हो। दो दो टू मासेस से आपा ने इसको बैलेंस करना है और वो दोनों मासेस जो है वो एक ही साइड में लगे हुए हैं। ध्यान दो, ये प्लेन है जिसका जिसके जिस फोर्स को आपा ने बैलेंस करना है और इसके एक ही साइड में आपके दोनों मासेस हैं बैलेंसिंग मासेस। इन दोनों बैलेंसिंग मासेस से अपन ने इस वाले मास को बैलेंस करना है। अगर वन साइड लगा देता तो वो क्या हो जाते, ब्रेक कर जाती शाफ्ट, सही से वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो मैंने दूसरी साइड में फिर से एक मास लगाया है ताकि वो शाफ्ट के ऊपर जो है वो नॉर्मल फोर्सेस लगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस ना लगे। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके अगर आपने लेंथ निकालनी हो तो लेंथ कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, पी पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट लेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दो, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, पी पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट लेंगे तो कैसे आएगा, सारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी। देखिए ये पूरी शाफ्ट है पी पॉइंट के अबाउट रोटेट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, जितनी नीचे फोर्सेस लग रही हैं उतनी ही ऊपर फोर्सेस लगनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि बॉडी जो है शाफ्ट जो है वो स्टेबल है। जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट को न्यूट्रल मानते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसको जीरो मानते हैं। तो अब जैसे मान लो कि अगर आप पी पॉइंट से फोर्सेस लग रही हैं जो ये वाली एम टू है इसको तो जीरो मानेंगे, बाकी कौन कौन सी फोर्सेस रहेगी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं, इनको आप एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो क्लॉकवाइज जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, फोर्स एफ इनटू उसकी दूरी कितनी है पी पॉइंट से, एल टू, ये वाली लेंथ यहां से लेकर ये लेंथ कितनी है, एल टू इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, क्योंकि अपोजिट है और ये शाफ्ट जो है वो स्टेबल है, तो जितनी ये फोर्स है वो ऊपर वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो नीचे फोर्स कितनी लग रही है, F1 into L, F into L2 should be equal to F1 into L, F1 नीचे की ओर फोर्स लग रही है और L क्या है, लेंथ यहां पे। तो ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अब F के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कैसे फोर्स निकालते हैं आप, वही सेम टू सेम m into r into omega square, omega square जो है वो सबके लिए कॉमन होता है क्योंकि सारी शाफ्ट जो रोटेट कर रही है तो बैलेंसिंग मास भी उतनी ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, ये एंगुलर स्पीड है, into length 2 is equal to f1, m1 into r1, m1 into r1 into omega square into length, length तो same to same है। जब omega square इस तरफ आएगा तो divide में हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है? तो m into r into l2 is equal to m1 into r1 into l length, ठीक है? अगर मैं m1 r1 निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? m1 r1 is equal to m into r into length 2 divided by length, length 2 divided by length। तो शायद यही फार्मूला जो अपने पहले किया था उसके अंदर भी सेम ही था, ठीक है, फार्मूला जो था वो सेम आ गया है। तो फार्मूला जो होगा वो सेम ही यूज होगा हर जगह पे, जब आप चाहे बैलेंसिंग फोर्स वन साइडेड हो चाहे दोनों साइड हो, m1 r1 जो आएगा वो उसके लेंथ अगर निकालना चाहो तो कैसे आएगी, L2 divided by L करके ही आएगी। ऐसे ही अगर M2 R2 निकालना चाहो तो ये कितना आएगा, इसके अंदर बस एक चेंज आया है राजे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लेंथ 2 आ गया, M into R into length 2, उसमें जो आता था अगर यहाँ पे M1 R1 है तो वहाँ पे लेंथ भी L1 या L2 आती थी, वो आपने देखा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम सिचुएशन है, m2 into r2 is equal to m into r into l, one आएगा यहाँ पे divided by l, दूसरे अगर कंडीशन में निकालना चाहो तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम इक्वेशन है, सारी चीजें सेम है, बस आपने ये देखना है कि जो लेंथ आएगी वो कैसे निकलेगी, ठीक है, फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला दोनों इक्वेशन में चाहे वन साइडेड प्लेन है चाहे सेकंड
लेफ्ट साइडेड दोनों साइडेड है तो वो फार्मूला जो होगा वो सेम ही आएगा। इसको पुट करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स आगे आप करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर हर पेपर के अंदर एक आधा क्वेश्चन उसके ऊपर हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, सेवरल मासेस जो है बहुत सारे मासेस जो है वो रोटेट कर रहे हैं ऑल अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर है। मासेस बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, रोटेटिंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर बहुत सारे मास जो है वो रोटेट कर रहे हैं, इनको बैलेंस कैसे किया जाए, इनको कैसे आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ध्यान दो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बहुत सारे मासेस ऐसे दे रखे हैं, जैसे ये शाफ्ट की न्यूट्रल एक्सिस है, इस पॉइंट के अबाउट शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे मासेस जो है वो लगे हुए हैं, मतलब के चारों तरफ अनबैलेंस फोर्सेस हैं, अनबैलेंस फोर्स वन, अनबैलेंस फोर्स टू, अनबैलेंस फोर्स थ्री, अनबैलेंस फोर्स फोर, ठीक है। इसका जो अलग अलग मास है सबके और अलग अलग जो है रेडियसेस हैं, तो ये है एफ, जो इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4। जैसे कि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है इनके ऊपर बाहर की ओर फेंकने की कोशिश कर रही है सबको, तो यहाँ पे आप फोर्स लिखेंगे f, चाहे तो f1 लिख लो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है fc1 लिख लो, ठीक है। fc2 इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहती है fc2, इसको फोर्स बाहर की ओर लेके जाना चाहती है fc3, और इसको फोर्स नीचे की ओर लेके जाना चाहती है fc4, ठीक है। इतने सारे मासेस हैं अनबैलेंस्ड और इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, इनकी रेडियसेस और इनका मास जो है वो भी अलग अलग है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर कोई ऐसी शाफ्ट है जिसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, अगर उसको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाए, ध्यान दो ये शाफ्ट है, इसको इस तरफ खींचा जा रहा है और उतनी ही फोर्स इस तरफ भी लग रही है, इस तरफ भी खींचा जा रहा है और उतनी ही सेम फोर्स इस तरफ भी लग रही है। द फोर्स एफ वन इस तरफ लग रही है, फोर्स एफ वन इस तरफ लग रही है, फोर्स एफ टू इस तरफ लग रही है, फोर्स एफ टू इस तरफ लग रही है। अब ध्यान दो, जितनी फोर्सेस को इस तरफ खींचना चाहती है उतनी ही फोर्स इस तरफ खींचना चाहती है, बैलेंस है शाफ्ट, ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ऐसे ही जितनी फोर्स इस तरफ खींचना चाहती है उतनी ही इस तरफ, यहाँ पे भी बैलेंस है, दोनों तरफ मूव भी नहीं करेगी ना तो ऊपर ना नीचे। तो ये शाफ्ट जब बैलेंस्ड है, लेकिन इसके अंदर तो आपको सीधा सीधा पता है कि दोनों तरफ फोर्सेस बराबर लग रही है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो है आपकी 25 न्यूटन, कितनी भी हो सकती है, न्यूटन में लिख लो चाहे किसी भी चीज में लिख लो इसको, ये है 25 और ये है आपकी 20, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो भी 20 है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है 20, ये फोर्स 20, ये फोर्स 20, इस तरफ तो बैलेंस्ड है, इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है 25 और इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है 20, इट मींस शाफ्ट जो है वो इस तरफ जाना चाहिए, शाफ्ट को इस तरफ से अनबैलेंस्ड है शाफ्ट, शाफ्ट की इस तरफ फोर्स ज्यादा लग रही है और इस तरफ फोर्स कम लग रही है, इट मींस जो शाफ्ट है वो ऊपर की ओर जाना चाहती है। अगर मैं इस जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर इसकी फोर्स को बढ़ा दूं 0.5 और जोड़ दूं इसके अंदर, प्लस 5 और जोड़ दूं फोर्स के अंदर, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इट मींस जिस तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स थी,
जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी ही इस तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट क्या है इसका, रिजल्टेंट होता है कि सारी फोर्सेस को मिला के जो कंक्लूजन है उसका कि वो किस तरफ जाएगी, सारी फोर्सेस को मिला के इससे नहीं जाएगी इस तरफ, तो इस तरफ भी नहीं जाएगी क्योंकि इस तरफ कम है, तो कंक्लूजन क्या था कि इस तरफ जाएगी क्योंकि इस तरफ 5 न्यूटन जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही है। तो मैंने क्या किया, अगर शाफ्ट इस तरफ जा रही है तो मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेट लगा दूंगा 5 न्यूटन की फोर्स के इक्वल। तो अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स होगी तो शाफ्ट बैलेंस होगी। इस तरफ रिजल्टेंट फोर्स जो थी वो लग रही थी 5 न्यूटन, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी 5 न्यूटन और बॉडी जो है वो बैलेंस होगी। अब जैसा कि आपको सारी फोर्सेस देख के लग रहा है यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स होगी, उस रिजल्टेंट फोर्स का जो वो टोटल क्या होगा, जितना भी इस सभी फोर्सेस के कारण शाफ्ट जो है वो ऊपर की ओर अनबैलेंस होगी, किस डायरेक्शन में होगी वो देखना। ध्यान दो, एक और चीज, एक और एग्जांपल करते हैं अपन। इस कंडीशन में क्या है, सेम टू सेम वही सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये वाली जो है ये नहीं है, ये वाली जो थी वो नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। इस शाफ्ट को इस तरफ एक फोर्स खींच रही है, उसका जो टोटल खींचने की जो उसका फोर्स है वो है 50। इस शाफ्ट को ऊपर की ओर एक फोर्स खींच रही है, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 40 इस तरफ, और इस तरफ जो फोर्स है इस तरफ शाफ्ट को खींच रही है वो है 20। ध्यान दो, 20 वाली फोर्स है ये कम है, ये 30 वाली फोर्स है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो शाफ्ट किस तरफ जाना चाहेगी, इस तरफ ऊपर की ओर, इस तरफ शाफ्ट जाना चाहेगी विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। 50 ये थी, उसमें से 20 अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ऊपर की ओर कितनी रहेगी, सिर्फ 30 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की ओर जा रही है, और 40 न्यूटन की फोर्स से इस तरफ जा रही है, इस तरफ 30 इस तरफ 40, इट मींस शाफ्ट किस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, समझ गए। इस तरफ 30 फोर्स लग रही है, किसी चीज को आप खींचने की कोशिश करो, इस तरफ तो उसके 30 फोर्स लग रही है और ऊपर की ओर उसके ऊपर 50, तो वो ना तो इस तरफ जाएगी ना ही डायरेक्ट इस तरफ जाएगी, वो कहां जाएगी, दोनों के सेंटर में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो थी वो कहां लग रही है, यहाँ पे। वो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी भी सीखेंगे आपा की कितनी आएगी, पूरे क्वेश्चन के अंदर यही करना है आपने। और इस रिजल्टेंट फोर्स को, इस रिजल्ट जितनी ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई उसका मतलब क्या है कि अब शाफ्ट इस तरफ ही जाना चाहती है, उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इस रिजल्टेंट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जितनी ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जितनी रिजल्टेंट फोर्स आएगी उतनी ही फोर्स से ये शाफ्ट ऊपर की ओर जाना चाहती है और इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में मैं उतनी ही अपोजिट फोर्स लगा दूं तो शाफ्ट क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी। तीन फोर्सेस थी जो इसको अनबैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, उनकी रिजल्टेंट फोर्स एक ही आई, उस रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट में मैंने उतनी फोर्स लगा दी और आपकी शाफ्ट जो है वो बैलेंस्ड हो गई। ऐसे ही मैं इस कंडीशन में करूंगा, यहां पे भी क्या करूंगा, जितनी ये फोर्स रिजल्टेंट आर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को कैसे लिखता हूं, रिजल्टेंट ही लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स एफ सी से लिखता हूं इसको, ठीक है, एफ सी वन एफ सी टू एफ सी थ्री एफ सी फोर आगे सारे एफ सी लिखता हूं, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी वो यहां पे आएगी लगभग, और उतनी ही अपोजिट फोर्स लगा के सेम, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लगा के इस फोर्स को, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा अलग वो करते हैं, रुक देते हैं इसको ताकि पता चले ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फोर्स है। तो बैलेंसिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जितनी ये फोर्स थी एफ सी उतनी ही फोर्स यहां पे लगा के मैंने क्या कर दिया, पूरी शाफ्ट को बैलेंस कर दिया। ये फोर्स जो है इमेजिनरी है, ये वो वाली फोर्स लाइन है जिसके ऊपर ये सारी फोर्सेस के कारण शाफ्ट के ऊपर एक्चुअल रिजल्टेंट आएगा, कंक्लूजन यहां पे निकलेगा इस लाइन पे। अगर इतनी फोर्सेस लग रही है तो इसके कारण शाफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या किया, सेम फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर दिया, अब शाफ्ट जो है किसी तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला सीखते हैं। तो
सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एक तो आप सिंपल एनालिटिकल मेथड से कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड में आपको फॉर्मूला सपोर्ट करने पड़ेंगे और वो सारी चीजें करेंगे आपा, जिसके कारण आपको इसके जो है एडजेक्टिव जो है आंसर मिल जाएगा। और ग्राफिकल मेथड में आपा ग्राफिक्स से मतलब के लाइंस लगा के इसके बराबर फोर्सेस के इक्विवेलेंट वैसे करके आपा इसको फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि एनालिटिकल मेथड में आपा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल मेथड में आपा क्या करते हैं, सारी फोर्सेस को टू साइड्स में आपा डिसॉल्व कर लेते हैं। फोर्सेस को जितनी भी फोर्सेस हैं F1, FC1, FC2, FC3, FC4 उन सभी को आपा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अब कोई भी फोर्स है जैसे ये वाली है इसको आपा दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और एक वर्टिकल फोर्सेस। अब जितनी ये फोर्स है FC मान लो फोर्स ये FC1 मान लो, FC1 वहां पे है देखो वो ये वाली है, तो इसके अंदर अगर ये ऐसे इंक्लाइन मूव करना चाहती है किसी चीज को तो ये इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, टू डायरेक्शनल है ये फोर्स, इंक्लाइंड है, एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है, ठीक है, टेपर है ये, इंक्लाइंड है। तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिर जाके आपकी फोर्स जो है वो एग्जैक्ट फोर्स जो निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप सारी फोर्सेस को डिसॉल्व करेंगे इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन, रिजॉल्विंग ईच फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स इन पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तब आप इसको कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, द सम ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब हर एक को मैंने क्या किया, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ऐसे इनको मैंने क्या कर दिया सबको रिजॉल्व कर दिया। तो अब इसके टोटल फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल जो आएगा वो कैसे आएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एम वन आर वन इनटू, अब यहाँ पे सभी के अंदर क्या था, एक ओमेगा स्क्वायर भी था, टोटल फोर्स के अंदर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो हर किसी चीज में आ रहा है और उसके बाद आप उसको कट ही कर रहे हैं तो उसको अपन लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे कि वो कट हो जाएगा। जब तो अपन हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तब तो अपन लिखेंगे कॉस थीटा, तो एम वन आर वन यहाँ पे सबके एंगल्स दे रखे होंगे आपको, जैसे ये थीटा दे रखा है थीटा वन, यहां से ये दूसरे का दे रखा है आपको थीटा टू, थीटा टू, और यहां से आपको तीसरे का ऐसे एक दूसरे से क्या दे रखे होंगे आपको टोटल, जीरो से पता होना चाहिए आपको, जीरो से सेम यहां से इस वर्टिकल लाइन से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से पता होना चाहिए सभी थीटा। तीसरा दे रखा है ये वाला थीटा थ्री, फोर्थ दे रखा है आपको ये वाला थीटा फोर, ठीक है, सभी के एंगल्स दे रखे हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करोगे तो एम वन आर वन कॉस थीटा वन, एम वन ये वाली फोर्स, आर वन इसकी रेडियस, और थीटा वन क्या है इसका एंगल, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही इसकी रेडियस आर टू, इसकी रेडियस आर थ्री, इसकी रेडियस आर फोर, सबके अलग अलग रेडियस दे रखे आर फोर, ठीक है। तो एम वन आर वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू ये वाली फोर्स इंटू रेडियस इसकी आर टू इंटू इसका एंगल थीटा टू, तो जब आप हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा टू प्लस, ऐसे ही नेक्स्ट एम थ्री आर थ्री कॉस थीटा थ्री प्लस एम फोर आर फोर ये वाली और कॉस थीटा फोर,
थीटा फोर, ऐसे आप इसको निकालेंगे फोर्स को अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, और अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन रिजॉल्विंग फोर्सेस ईच फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कैसे आएंगी, सेम टू सेम वही सिचुएशन है, द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू एम वन आर वन, इस बार आप कॉस की जगह पे क्या लगा देंगे, साइन, साइन थीटा वन प्लस एम टू आर टू साइन थीटा टू और प्लस एम थ्री आर थ्री साइन थीटा थ्री प्लस एम फोर आर फोर आर फोर साइन थीटा फोर। ठीक है, इसको जब आप कैलसी में लगा के सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जितना आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डैश 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 आ जाएगा, ऐसे ही टोटल सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वो आ जाएगी वैल्यूज दोनों। ठीक है, अब आपको निकालनी है ये क्या आ जाएगा, सारी फोर्सेस को अपन ने रिजॉल्व कर लिया इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन में अपन ने इसको निकालना था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये इंक्लाइन पढ़िए, ये इंक्लाइन पढ़िए, इनकी फोर्सेस की वैल्यूज पता नहीं चल रही, लेकिन जब अपन इनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइड कर लेंगे तब आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रही है। तो अब क्या आ जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स अपन निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां से आ जाएगा, टोटल सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इस फार्मूला से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी आपकी, फोर्स एफ सी, पहले लिखता हूं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ये वाली एफ सी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। ये फॉर्मूला जो है ये स्टैंडर्ड होता है, ये हर जगह यूज होता है, रिजल्टेंट फोर्स अगर आपने निकालनी है किसी भी चीज की तो आपको कैसे निकलेगी, द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस। अगर सिंगल फोर्स का निकालना होता तो कैसे निकालते, जैसे यहाँ पे टेपर फोर्स है, इसका फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है एफ सी, तो आप इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स सेम ही आएगी, ये रिजल्टेंट फोर्स अगर सिंगल फोर्स है उसकी रिजल्टेंट फोर्स तो वही आती है, अगर दो फोर्सेज है यहाँ पे ये वाली एक दूसरी है एफ सी वन, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स अगर आपने निकालनी है तो पहले इन दोनों फोर्सेस को क्या करोगे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे करके दोनों को, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसके साथ आप कॉस लगाते हैं और जो वर्टिकल होती है उसके साथ आप साइन लगाते हैं, तो इनको दोनों को इसी से में डिवाइड करके फिर आप सेम टू सेम फार्मूला पुट कर दोगे वर्टिकल फोर्सेस का और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का और इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ऐसे करके आपकी रिजल्टेंट फोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट होने के बाद अब आपके पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट फोर्स आपको पता चल गई कि कितनी है, लेकिन किस एंगल पर लग रही है अभी तक ये नहीं पता, ये एंगल नहीं पता लेकिन फोर्स पता चल गई कि इतनी है। ठीक है, फोर्स आपको टोटल एफसी आपको फाइंड आउट हो जाएगा यहां से, एफसी तो पता चल जाएगा लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एंगल कितना है एफसी तक जो आ रहा है, थीटा एंगल कितना है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं थीटा, थीटा चाहे इसको लिख लो चाहे थीटा इस पूरे को लिख लो, ठीक है, टोटल थीटा या थीटा डैश लिख लो इसको, रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल है, ठीक है, थीटा डैश लिख लेता हूं मैं, सॉरी यहां पे लिख ही देता हूं, ये बाहर वाला जो एंगल है रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पर है आपकी, रिजल्टेंट फोर्स जो एंगल है उसको थीटा डैश, और इस टोटल को यहां तक इसको थीटा लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एंगल इसको क्या लिखूंगा थीटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये थीटा डैश निकालना है, ये कितना है, थीटा डैश कैसे आएगा, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर्मूला होता है इसके लिए टेन थीटा डैश, जो कि अपन ने इस
रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इज इक्वल टू टेन थीटा डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा जब आ जाएगा जब आप वर्टिकल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से डिवाइड कर दोगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी 50 60 70 10 5 7 जितनी भी, तो जब थीटा इस तरफ सॉरी टेन इस तरफ जाएगा तो टेन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और वो वैल्यू जितनी भी आपकी यहां से इन दोनों को डिवाइड करके आई थी 10 50 12 वो यहां पे पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल 10 इनवर्स। आपको जो कैल्सी पे लगाते हो कैल्सी के अंदर इसको निकालना है तो कैल्सी से आप इसको देख सकते हो 10 इनवर्स का फॉर्मूला उसके अंदर डायरेक्ट पुट हो जाता है शिफ्ट क्लिक करने के बाद। ठीक है तो वो कैल्सी के ऊपर आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये समझा भी दूंगा कि कैसे इसको अपन प्रॉपर जो टेन थीटा इनवर्स है वो कैसे लगा सकते हैं। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब सीखेंगे इसको। ठीक है तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से थीटा एंगल पता चल जाएगा आपको। तो थीटा एंगल जितना भी आ गया मान लो आ गया थीटा एंगल आ गया आपका 60 डिग्री पे आपकी टोटल जो है रिजल्टेंट फोर्स वो लग रही है यहाँ पे ये थीटा एंगल कितना आ गया 60 डिग्री पर सारी फोर्स जो है शाफ्ट को ऊपर की ओर खींचना चाहती है विद द इंटेंसिटी ऑफ एफसी फोर्स। 60 डिग्री पर आपकी फोर्स जो है शाफ्ट के ऊपर बैरिंग लग रही है 60 डिग्री पर उसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहती है। अगर आप उसको स्टेबल करना चाहते हो तो आपको बैलेंसिंग फोर्स लगानी पड़ेगी ऑफ सेम इंटेंसिटी, तो उसकी फोर्स कितनी होगी एफसी फोर्स होगी, जितनी ऊपर की ओर लग रही है उतनी ही नीचे की ओर एफसी फोर्स लगेगी। और एफसी फोर्स की एंगल कितना होगा कितने एंगल पर लगानी है इस पॉइंट से कितने एंगल पर लगानी है, तो 60 डिग्री पर तो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप। अगर मैं 60 प्लस 180 कर दूं 60 प्लस 180 करने से कुछ भी डायरेक्शन हो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। अगर मैंने ये कोई सर्कल लगा दिया यहां से इस पॉइंट से मैं कहूं कि इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर यहां से मैं 180 डिग्री पर देखूं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं 60 में 180 ऐड कर दूं तो 240 डिग्री पर ये क्या है इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो 240 डिग्री पर जाकर आप उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स के लिए एंगल कितना आ गया 240 और फोर्स कितनी आ गई एफसी। ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।